Hello everyone, welcome to Free Study. So, next video for Instagur's 2020 Current Affair Compilation. इसके बाद दो वीडियोस और आएंगी एंड आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा सो उसके बाद आपका जैसे भी मन करे चाहे तो आप क्यूज़ प्रिपेयर कर लें अपने आप से पी डाउनलोड करके या आप करंट अफेयर्स रिवाइज कर लें जैसा भी आपको ठीक लगे अब आपको अपने आप ही प्रिपेयर करना होगा ओके okay, सो so, फिर अपना बेस्ट दीजिएगा फिल्मस के अंदर सो लेट्स स्टार्ट विद बी टी ब्रिंजल तो इसको ध्यान रखिएगा एक्सपर्ट्स ने जो मूव था एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का क्योंकि यही अप्रूव करते हैं इनका जो मूव था उसको एक्सपर्ट्स ने स्लैम कर दिया है मीन्स गलत बताया है क्योंकि फ्री uh, जो फील्ड ट्रायल्स हुए थे इवेंट 142 के लिए इवेंट 142 एक नई वैरायटी है जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल की बीटे ब्रिंजल की सो so, कि उसको ग्रीन लाइट नहीं देना चाहिए था तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है तो कंसर्न क्या है क्योंकि जो ये नई जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल है ये मीन्स वर्स क्वाइटली इसको अप्रूवल दे दिया बिना किसी डाटा uh, के पब्लिक डोमेन में एंड वेराइटी को अप्रूव किया गया बिना सेकेंड सीज के बी आर एल मीन्स कुछ सेकेंड सेशन होते होंगे फर्स्ट सेशन होता होगा तो बिना उसको उसको अप्रूव कर दिया तो इससे जो क्रॉप डिवेलपर्स हैं मीन्स एप्लीकेंट्स हैं उनको परमिशन जो है वो लेनी पड़ी कॉमर्शियल कल्टिवेशन के लिए एंड कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रही क्योंकि ये बायो सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया तो जीएम क्रॉप एक ट्रांसजेनिक क्रॉप होती है जहां पे कुछ कॉम्बिनेशन किया जाता है जेनेटिक मटेरियल का एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये बनाए जाते हैं तो इसके अंदर जीन होता है आर्टिफिशियली ये बना हुआ होता है एंड जो प्लांट होता है वो उसको पॉलिनेशन के थ्रू एक्वायर नहीं करता फिर जो भी प्लांट होगा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होगा एंड लीगल पोजिशन क्या है जो जैनेटिक इंजीनियरिंग है वही इसकी एपेक्स बॉडी है, है कि आप इसका क्रॉप को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते अगर आप किसी अन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को यूज करते हैं तो उसमें पांच साल की सजा और एक लाख रुपए का फाइन भी हो सकता है अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन अब फार्मर जो है वो जीएम क्रॉप क्यों चाहते हैं क्योंकि जो कॉस्ट है बीडिंग की ठीक है जैसे जो एक्स्ट्रा घास फूस सूख जाती है वो कम हो जाती है अगर बीटी कॉटन को वो ग्रो करते हैं ग्लाइफोसेट को अगर वो यूज कर पाते हैं अगेंस्ट वीट्स तो इसी तरीके से बीटी टी ब्रिंजल के अंदर भी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है ठीक है लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट का यही कहना है दैट ये हार्मफुल है ह्यूमन्स के लिए लॉन्ग रन में देन कुछ टॉपिक्स देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज से रिलेटेड एमएसपी से रिलेटेड पीडीएस देखेंगे तो सेंटर शुड रिपील ऑर्डिनेंसेस फार्मर्स ने कहा ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी है ठीक है ए आई के एस सी सी ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी उन्होंने अनाउंस किया कि कॉरपोरेट लीव फार्मिंग कॉम्पेन हम स्टार्ट करेंगे 9 अगस्त को क्योंकि सेंटर ने जो रीसेंट ऑर्डिनेंसेस पास किए हैं ऑर्डिनेंसेस दिए हैं ऑन एग्रीकल्चर एंड फार्मर इश्यूज़ तो इसको लेकर उन्होंने कॉरपोरेट लीफ फार्मिंग जो कंपेन है उसको अनाउंस कर दिया इशू क्या है जून 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने तीन ऑर्डिनेंस लेकर आई थी क्या क्या थे एक तो इसेंशियल कॉमोडिटीज ऑर्डिनेंस था 2020 फिर था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020 और तीसरा था फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020 लेकिन एक्टिविस्ट्स का ये कहना है कि ये डिसअपॉइंटेड है कि जो रिफॉर्म पैकेजेस दिए गए हैं जो ऑर्डिनेंस पा मीन्स दिए गए हैं ये फार्मर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते बल्कि उनको एग्जेट ही कर देते हैं मीन्स बढ़ा देते हैं तो ये एंटी फार्मर ऑर्डिनेंसेस हैं इससे जो क्रॉप प्राइजेस हैं मीन्स रिड्यूस क्रॉप प्राइस मिलेगा फार्मर को अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा एंड जो फ़ूड सिक्योरिटी है वो इरोड होगी क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जब तक एलिमिनेट एलिमिनेट uh, हो जाएगा अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन तो फूड सिक्योरिटी भी इरोड होगी इससे कॉरपोरेट कंट्रोल ज़्यादा आएगा होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी तो अब हम हर एक को वन बाई वन देखते हैं कि क्या ऑर्डिनेंस के अंदर क्या कहा गया है सबसे पहले इसेंशियल कॉमोडिटीज़ ऑर्डिनेंस ट्वेंटी ट्वेंटी इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो भी सप्लाई होगी या जो भी स्टॉक लिमिट होती है किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की किसी भी के अंदर जैसे जब कभी एक्स्ट्रा जैसे प्याज होती है ऑनियन उसके प्राइस बहुत ज्यादा राइज हो जाते हैं या कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है तो ये रेगुलेट करता है Now, जो प्राइस रेंज का जो फ्लक्चुएशन होगा वो क्या होगा काफी नैरो रहेगा एंड जो भी स्टॉक लिमिट होगी वो एप्लीकेबल नहीं होगी वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स के लिए अगर स्टॉक लिमिट इंस्टॉल कैपेसिटी के अंदर ही रखी जाती है तो दूसरी अगर वो दे कैन शो द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट तो ये एक्सपोर्टर्स को भी अप्लाई नहीं करेगा ठीक है तो ये ध्यान रखना है क्या है फर्स्ट केस के अंदर बेसिकली कि ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे एंड प्राइस की जो फ्लक्चुएशन है उसको काफ़ी कम रहने देंगे एंड uh, अगर आप स्टॉक लिमिट इंस्टॉल कैपेसिटी के अंदर ही uh, रखते हैं तो आपको जो uh, जो भी मीन्स जो स्टॉक लिमिट रेगुलेशन है वो अप्लाई नहीं होगा एंड ये एक्सपोर्टर्स को भी अप्लाई नहीं करता दूसरा आया कि फार्मर के प्रोड्यूस को ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020 ट्वेंटी कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी ने जो कहा है उसको बाईपास कर देते हैं एंड फ्रीडम देनी है ट्रेड में एंड uh, इससे एक लेकिन अब इसके इशूज़ ये हैं कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि हो सकता है फार्मर्स को डिमांड ही ना मिले उनके प्रोड्यूस की एट एमएसपी जो फार्मर्स है वो स्मॉल है मार्जिनल है एंड उनको अपने जो हो सकता है प्रोड्यूस जो है वो लार्ज लार्ज डिस्टेंसेस तक देने जाना पड़े एंड हो सकता है कि वो एमएसपी से कम ही प्राइस पर सेल कर पाए लोकल मार्केट के अंदर भी तो यहाँ पर यही कहा गया था कि जो भी मींस ये ऑर्डिनेंस था ट्वेंटी ट्वेंटी का फ्रीडम दी गई थी कि आप ट्रेड कर सकते हैं किसी भी एरिया में आउटसाइड ऑफ प्राइवेट एंड ए पी एम सी मतलब जहाँ पे आपको ए पी एम सी मार्केट देता है या जहाँ पर आप पहले ही सेल करते हैं तो वहाँ के अलावा भी आप कहीं और सेल कर सकते हैं लेकिन इशूज़ क्या है वो मैंने आपको पढ़ा दिए देन देखिए थर्ड है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020 ट्वेंटी यहाँ पर कहा गया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है तो उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाएगा एंड दोनों पार्टीज़ के बीच में एक नेगोशिएटिंग पावर बनाई जाएगी ताकि जो इशू यही है कि जो इंडिविजुअल फार्मर है वो हो सकता है इतना पावरफुल अपने आप को ना समझे कि वो कॉरपोरेट्स या जो बड़े बड़े पॉकेट स्पॉन्सर्स होते हैं उनके साथ अच्छे से नेगोशियट कर पाएँ एंड उन्हें उन्हें प्रोड्यूस के लिए अच्छा मिल पाए जो क्वालिटी पैरामीटर्स है वो भी टू पार्टीज डिसाइड करेंगी लेकिन जो क्वालिटी एस्पेक्ट है ये बहुत क्रूशल हो जाता है क्योंकि कुछ कॉरपोरेट्स ऐसे होते हैं जो हो सकता है कि कुछ चीज़ों को मीन्स पास ही ना करें एंड जो फार्मर है वो अपने प्रोड्यूस को कम प्राइस पर सेल करने के लिए मजबूर हो जाए तो इन तीनों के जो जो तीनों ऑर्डिनेंसेज हैं इनके क्या इम्पेक्ट्स होंगे तो ये डिपेंड करता है लंबे समय इसको लग सकता है रिजल्ट आने में क्योंकि अभी डर यह भी है कि जो तीनों ऑर्डिनेंस हैं हो सकता है ये फार्मर्स को हेल्प करने की बजाय उनको डिस्ट्रेस में ले आए एंड अभी मोनेटाइजेशन भी हुआ था 2016 में हुआ था कोविड 19 लॉकडाउन हुआ तो उससे भी फार्मर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं देन देखिए प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग तो प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो स्टेटस होता है वो कौन देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है ध्यान रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का स्टेटस देता है इंडिया के स्टार्टअप सेक्टर्स को नौ प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं कि हमारी कंट्री के डिवेलपमेंट के लिए बेसिक नीड्स के लिए क्या डिवेल्प करना जरूरी है किस सेक्टर को प्रायोरिटी देनी जरूरी है तो जो फोर्टी टेंट है, है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ही अभी हम पढ़ रहे हैं इतना डिटेल में मैं आपको हर एक टर्म नहीं समझा पाऊंगी क्योंकि हमें ये जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट करने हैं ताकि आपके भी टाइम पर कंप्लीट हो जाएं ये करंट अफेयर्स एंड आप उसके बाद रिवीजन भी कर, कर सकें तो अभी हम टोटली प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ओके okay? तो आर की क्या गाइडलाइंस आई हैं पी के लिए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के लिए तो क्या कहा गया है कि जो फोर्टी जो नेट बैंक क्रेडिट है कितना अमाउंट फोर्टी परसेंट वो प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस को ही जाना चाहिए टेन परसेंट जो है वो वीकर सेक्शन को जाना चाहिए एट्टीन परसेंट एग्रीकल्चर को जाना चाहिए सेवन पॉइंट फाइव परसेंट या फिर क्रेडिट जो भी इक्विवेलेंट हो वो जाना चाहिए माइक्रो एंटरप्राइजेस को ओके okay, तो इसको आप लर्न कर लीजिए रट लीजिए टेन परसेंट है आपका वीकर सेक्शन के लिए एट्टीन परसेंट है एग्रीकल्चर के लिए उसके अंदर भी वैसे सब डिविजन है आठ परसेंट एन बी एफ सी को है उसमें एंड सेवन पॉइंट फाइव परसेंट है माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए तो आप ये सो इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर हमारी कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है ना तो एट्टीन परसेंट सबसे ज़्यादा किस में जाएगा एग्रीकल्चर में जाएगा फिर इसके बाद वीकर सेक्शंस को देखेंगे तो टेन परसेंट उनको दे देंगे फिर हम एंटरप्राइजेस को देखेंगे तो सेवन पॉइंट फाइव तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स अभी मैंने बताया ये जो आर है वो इशू करता है एंड ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये बैंक को इनेबल करते हैं ये जानने में कि कौन से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स हैं एंड कौन से सब टारगेट्स हैं देन देखिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक लाख करोड़ की फैसिलिटी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के थ्रू दी वी आर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ये आत्मनिर्भर भारत के ही अभियान के अंदर है नाउ ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी यहाँ पर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डेप्थ फाइनेंसिंग फैसिलिटी होगी ताकि इन्वेस्टमेंट की जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में एंड जो ड्यूरेशन है वो टेन ईयर्स के लिए है ट्वेंटी से ट्वेंटी ट्वेंटी तक एलिजिबिलिटी क्या है जो लाख करोड़ रुपए है वो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देंगे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को मार्केटिंग कॉपरेटिव सोसाइटीज को एफ को जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फार्मर्स को मल्टीपर्पज कोपरेटिव सोसाइटीज एंड स्टार्टअप्स को इंटरेस्ट सब्सेंशन क्या है तीन परसेंट का है ठीक है एंड ये जो लिमिट है वो टू करोड़ तक की है टू करोड़ तक का जो इंटरेस्ट है वो थ्री परसेंट तक सबवेंट किया जा सकता है वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये जो सबवेंशन है ये मैक्सिमम सेवन इयर्स तक अवेलेबल रहेगी ओके okay. देन हम आ जाते हैं इसका फंड को मैनेज कौन करेगा मैनेज करने के लिए भी एक ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म बनाया गया है नेशनल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग अथॉरिटी भी सेटअप की गई है, ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड इफेक्टिव फीडबैक दिया जा सके देन देखिए फूड सिस्टम विजन प्राइस 2020 तो ये एक इनविटेशन है सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि वो एक नरिशिंग फूड सिस्टम बनाए क्योंकि आ, ताकि हम 2050 तक एक ऐसा रीजनरेटिव नरिशिंग फूड सिस्टम बना सकें इसके अंदर टू लाख डॉलर्स का कैश इंसेंटिव है इसे लॉन्च किया है रॉक फैलर फाउंडेशन ने ठीक है ध्यान रखिएगा ये किसके लिए है ऑल अराउंड द ग्लोब है तो ऑल अराउंड द ग्लोब रॉक फैलर फाउंडेशन ने एंड सेकेंड म्यूज एंड ओपन आईडीओ 2019 के साथ मिलकर फ़ूड सिस्टम विज़न जो है ये एक कहानी की तरह है जो फ्यूचर के बारे में बताती है कि हमें अपने एनवायरमेंट का ध्यान रखना है डाइट्स का ध्यान रखना है इकोनॉमिक्स कल्चर टेक्नोलॉजी एंड पॉलिटी न्यूज़ में क्यों है क्योंकि रॉक फाउंडेशन को सिलेक्ट उन्होंने सिलेक्ट किया है नंदी फाउंडेशन को ध्यान रखिएगा नंदी फाउंडेशन को इन्होंने चूज किया है कि ये अमंग द टॉप टेन विजनरीज हैं फूड सिस्टम विज़न ट्वेंटी फिफ्टी प्राइज़ के लिए एंड नंदी को रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर इट्स आर अराकूनॉमिक्स मॉडल ठीक है ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट नंदी फाउंडेशन कौन सा मॉडल है अराकू नॉमिक्स मॉडल है अराकू जो है वो एक इंटेग्रेटेड इकोनॉमिक मॉडल है जो कि प्रॉफिट देता है फार्मर्स को भी क्वालिटी देता है कंज्यूमर्स को भी एंड ये जो ट्राइबल फार्मर्स है खास करके लिए उनके लिए एक ट्रिब्यूट की तरह है कि आप वर्ल्ड क्लास कॉफ़ी बनाइए ओके देन देखिए नंदी को क्यों चूज़ किया गया नंदी को इसीलिए चूज़ किया गया क्योंकि उन्होंने जो महाराष्ट्र के अंदर जो वर्धा गांव है वहाँ के काफ़ी सारे लोगों की हेल्प की एंड ये वहाँ पर इस तरीके का काम कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर को और भी ज़्यादा मींस ट्रांसफॉर्म किया जा सके एक अच्छे तरीके से एंड इनका जो ट्वेंटी विजन है ये भी ध्यान रखिएगा ये आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच ए से है आपका एग्रीकल्चर बी से बायोलॉजी सी से कॉम्पोस्ट डी से डी डिसीजन मेकिंग इस से एंटरप्रेनर्स एफ से फैमिलीज, जी से ग्लोबल मार्केट्स एंड एच से हेड स्टैंड्स और टर्निंग करंट अप्रोचेज ऑन देयर हेड एंड देन देखिए एनएफएससी 2013 बहुत क्विकली मैं आप इसको मैं आपको इससे पढ़ाऊंगी क्योंकि अभी मेरे पास भी समय कम है और आपके पास भी समय कम है हम डिटेल में नहीं जाएंगे इसे किसने मीन्स डायरेक्शंस दी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फ़ूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने उन सभी एलिजिबल डिस एबल्ड पर्सनस को कि भी उन्हें भी इंक्लूड कीजिए एंड ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किया गया है ठीक है स्टेट्स को कहा गया है कि वो फूड ग्रीन्स जो हैं वो दें अंडर एन एफ एस एंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन योजना सेक्शन थर्टी एट इसका ध्यान रखिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करेंगी एंड जो सेक्शन टेन है वो ये कहता है कि वो सभी लोग जो अंत्योदय अन योजना के अंदर आते हैं उन सभी को इंक्लूड किया जाएगा डिसेबिलिटी जो थी वो एक क्राइटेरिया थी फॉर इंक्लूजन ऑफ बेनिफिशरीज अंडर अंत्योदय अन योजना मीन्स कुछ लोगों को पहले इसमें इंक्लूड नहीं किया जा रहा था लेकिन अब उन्हें भी इंक्लूड किया जाएगा एन एफ एस ए ट्वेंटी थर्टीन गुड क्वालिटी का फूड प्रोवाइड करना है सस्ते प्राइजेस पे ताकि वो भी अपनी लाइफ डिग्निटी के साथ जी सकें टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसके अंदर रहेगा फिफ्टी परसेंट अर्बन एरिया सेवेंटी फाइव परसेंट रूरल एरिया हर महीने पाँच किलो फाइव के जी जो है वो पर पर्सन यूनिवर्सली मीन्स एंटाइटलमेंट उनकी होगी ही होगी एंड जो गरीबों में भी सबसे ज़्यादा गरीब है उसको थर्टी फाइव के पर मंथ ये प्राइस ध्यान रखिएगा ये पहले भी किसी पास्ट ईयर पेपर में पूछा गया है थ्री रुपीज़ टू रुपीज़ एंड वन रुपीज़ थ्री रुपीज़ है आपका राइस के लिए टू रुपीज़ है वीट के लिए एंड वन है आपका कोर्स ग्रेन के लिए जिस वर्ड में जितने ज़्यादा शब्द है उसका प्राइस उतना ही कम है ये ट्रिक है राइस में सबसे कम शब्द है प्राइस सबसे ज़्यादा है वीट में बीच का है बीच के टू है कोर्स ग्रेन में सबसे ज़्यादा शब्द है प्राइस सबसे कम है ठीक है ओपोजिट है देन देखिए हाउस होल्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा विमेन एंड चिल्ड्रन को भी हमें आइडेंटिफाई करना है छः महीने से चौदह साल के बच्चे प्रेग्नेंट वीमेन लैक्टेटिंग मदर सभी को इंटीग्रेटेड चाइल्ड मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्कीम्स के अंडर एंड मिड डे मील स्कीम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा मेटर्निटी बेनिफिट के अंदर छह हज़ार रुपये का प्रेगनेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए वेमेन एम्पावरमेंट की भी बात कही गई है जो अट्ठारह साल की हैं या उनसे ऊपर है ग्रीवेंस रिड्रेसल मकैनिज्म डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल दोनों पर है ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट फूड ग्रेन को हैंडल करना ये सब भी देखा जाएगा ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी कैसे ज होगी क्योंकि विजिलेंस कमेटी बनाई जाएंगी जो कि ऑडिट करती रहेंगी। देन देखिए इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी चेंजेस इन इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो वट इज़ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफेक्चरर तो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स जी एंड जैसे कि सैमसंग पैक्ट्रॉन फ्लैक्स फॉक्सकॉन ये फाइनल स्टेज में है किसके साथ नैगोशिएशन करने में कि हमें माई टी से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाए मोबाइल फोनस बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स बनाने के लिए ये जो स्कीम है ये एक अप्रैल को लॉन्च की गई थी नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट बना के कि फाइनेंशियल इंसेंटिव देना है ताकि इनकी भी मैनुफेक्चरिंग बढ़े एंड बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स यहां पर हो सके चार परसेंट से छह परसेंट का इंसेंटिव दिया जाता है पांच साल के लिए 2019-20 को बेस ईयर माना गया है एंड इस स्कीम के अंदर जो एप्लीकेशंस है वो मींस आप अप्लाई कर सकते हैं फोर मंथ्स के लिए स्टार्टिंग के महीने में इस स्कीम को इंप्लीमेंट कौन करेगा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी बनाई जाएगी जो कि इसको देखेगी न वो सभी कंपनीज जो मोबाइल फ़ोन्स सेल करती हैं पंद्रह हजार करो पंद्रह से या फिर पंद्रह से ज़्यादा अमाउंट के वो इसके लिए एलिजिबल हैं उन्हें इंसेंटिव मिलेगा सिक्स का ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स जो कंपनीज हैं जो इंडियन नेशनल्स की हैं वो इस तरीके के मोबाइल फ़ोन्स बनाती हैं तो इंसेंटिव मिलेगा अराउंड अगले चार साल तक दो करोड़ रुपये का नव किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स को कंसीडर किया जाएगा वो सभी इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग कंपनीज जो इंडियंस हों या फिर रजिस्टर्ड यूनिट हो इंडिया के अंदर वो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं या तो वो अपनी नई यूनिट बना सकती हैं या जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उसके अंदर भी इंसेंटिव ले सकती हैं जो भी इन्वेस्टमेंट है वो लैंड बिल्डिंग पे जो लैंड और बिल्डिंग पे इन्वेस्टमेंट होगी वो नहीं कंसीडर किया जाएगा ओके okay, तो इस स्कीम की जरूरत इसीलिए है ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके एंड जो काफ़ी पीछे रह गए हैं उनको भी एक ही लाइन पे लाके फिर रेस शुरू की जाए नाउ व्हाट इज़ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग तो बिजनेस जो है वो आप कंपनी से रिलेट कर सकते हैं तो इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है इन्होंने ही रिलीज की है रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग एंड इसको बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी कहा गया है इसे इंटीग्रेट किया गया है एम सी ए ट्वेंटी वन पोर्टल से ताकि एक अच्छा मीन्स स्कोप दिख सके नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स का भी कि एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबल इंडेक्स बनाया जाए कंपनीज के लिए एंड जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज है वो इस रिपोर्टिंग को मैंडेटरीली करें जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है वो एम सी एक्सटेंड भी कर सकता है उन कंपनीज के लिए भी जो कि अनलिस्टेड है एंड उनका अच्छा टर्न हो पेड अप कैपिटल हो तो वो अमाउंट बाद में डिसाइड हो जाएगी ना ये होता क्या है तो इसके अंदर जो भी बिजनेस जो भी लिस्टेड कंपनी है वो बताती है कि हमने क्या क्या पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिस की हैं तो ये सभी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होती है चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर चाहे सर्विसेज हो जैसे कि ये कैसे मींस इसका इवोल्यूशन हुआ कॉरपोरेट वॉलेंटरी गाइडलाइंस आई थी 2009 में यूनाइटेड नेशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स है बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स के लिए एमसीए ने इशू किए हुए हैं नेशनल वॉल्ट्री गाइडलाइंस सोशल एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए सैबी ने मैंडेट किया है कि जो टॉप हंड्रेड लिस्टेड कंपनीज हैं वो भी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स दें एंड अगेन जो नेशनल नेशनल गाइडलाइंस है ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट वो भी रिलीज किया गया था दो हज़ार उन्नीस में एंड सेबी ने जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट है ये टॉप फाइव हंड्रेड कंपनीज पर मीन्स और कहा था उन्हें कि आपको भी रिपोर्ट देनी होगी दो हज़ार पंद्रह में तो इसकी ज़रूरत क्यों है ज़रूरत देखिए इसीलिए है आप इसको ये पढ़ लीजिए कि एनअल में होता क्या है तो आपको पता चल जाएगा जरूर ज़रूरत इसलिए है एक तो इससे कंपनी की इंफॉर्मेशन पता चलती है कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स पता चलती हैं बाकी डिटेल्स भी पता चल जाएंगी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो क्या क्या काम करते हैं एंड वी प्रिंसिपल वाइज इन्फॉर्मेंस भी पता चल जाएगी एंड सैबी की डायरेक्टिवस uh, भी वो कितना फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो भी पता चल जाएगा तो ध्यान रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन से मिनिस्ट्री इसको लॉन्च करती है लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है इंडिया ने एक नया कनेक्टिविटी मेजर जो है वो मालदीव्स के लिए अपनाया है क्योंकि मालदीव्स में आप एयर सी इंटरा आइलैंड टेली सब है वहाँ पे इंडियन ओशियन आइलैंड्स के अंदर वो आते हैं एंड कोविड 19 की वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो खैर बुरा पड़ा ही है तो एयर कनेक्टिविटी बबल फॉर ट्रैवल एक डायरेक्ट फेरी सर्विस दी जाएगी क्या क्या इनिशिएटिव अनाउंस किए हैं देख लीजिए एयर कनेक्टिविटी बबल मीन्स अनाउंस किया है ट्रैवल के लिए एक डायरेक्ट फेरी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी एक सब मेराइन केबल प्रोवाइड की जाएगी टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लिए एंड ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया जाएगा ताकि मेल मेल जो है मालदीव्स के अंदर है ना तो उसके जो थ्री नेबरिंग आइलैंड्स हैं वहाँ पे वेलिंगिली थिलाफुशी एंड गुलीफाहू उनसे भी उनको कनेक्ट किया जा सके तो इंडिया जो है वो यहाँ वहाँ पर अप्लाई करेगी एंड यू एस डी हंड्रेड मिलियन का ग्रांट भी देगी एक नया लाइन ऑफ क्रेडिट भी बनाएगी यू एस डी फोर हंड्रेड मिलियन का एंड ये लार्जेस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है मालदीव्स के अंदर तो लाइन ऑफ क्रेडिट एक ग्रांट नहीं होता बल्कि एक सॉफ्ट लोन की तरह होता है मीन्स थोड़े कम इंटरेस्ट रेट पर दिया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को ताकि उनके जो एंड इस तरीके से जो इंडिया के गुड्स एंड सर्विसेज है उनका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा क्योंकि सेवेंटी फाइव परसेंट जो कॉन्टेक्ट है वो इंडिया से ही होगा देन देखिए एक्सपोर्ट प्रपेयरनेस इंडेक्स 2020 तो बहुत ही हम स्पीडली कर रहे हैं ओके इसे इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम अभी बहुत कम रह रहा है एंड सीरियसली अभी मेरे पास भी टाइम नहीं है कि मैं वीडियोस पर ज़्यादा ध्यान दूं क्योंकि खुद पढ़ने में मुझे इतना समय नहीं लगता हम जो चीज़ें बहुत बेसिक बेसिक बताते हैं तो वो मैं जब खुद पढ़ती हूँ तो मैं उसको स्किप कर देती हूँ बट स्टिल आई एम गिविंग यू दैट टाइम सो आप भी उस चीज़ को समझें एंड अभी आपको ये वाले मंथ के करें करंट अफेयर ऐसे ही करने होंगे एंड इसके बाद जो हम करंट अफेयर्स करेंगे अगर प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो वो भी हम ऐसे ही करेंगे ओके okay, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है एंड हमें अभी सिर्फ वही लेना है इन पीडीएफ से जो हमारे एग्जाम के अंदर काम में आए ऑल राइट सो एक्सपोर्ट प्रिपेरनेस इंडेक्स 2020 नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है नीति आयोग ने ऐसे याद कीजिए कि जो नीति है वो अब प्रिपेयर हो गई है कंपटीशन के लिए ठीक है नीति किसी लड़की का नाम है वो कंपटीशन के लिए अब प्रिपेयर हो गई है तो नीति आयोग इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर एक्सपोर्ट प्रिपेरनेस इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी बनाने जा रहा है ये वीडियो बिल्कुल प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है ओके दीज आर नॉट फ्रॉम द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू अभी हमारा फोकस सिर्फ प्रिलिम्स पे है मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे क्योंकि इतना टाइम अब आपके पास भी नहीं होगा कि आप वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा सुन पाए इसीलिए जो मैं बोल रही हूँ उन्हीं को सुने एंड उसी को ही आप चाहे तो अंडरलाइन कर लो या कहीं पर लिख लो तो ये फर्स्ट रिपोर्ट होगी जो कि एक्सपोर्ट प्रिपेरनेस देखेगी कि हमारी जो इंडियन स्टेट्स हैं वो कितनी प्रिपेयर हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है चार पैरामीटर्स को देखेंगे पॉलिसी को देखेंगे बिजनेस के इको को देखेंगे एक्सपोर्ट इको को देखेंगे एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को देखेंगे ये इलेवन सब पिलर्स भी हैं ये एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में सारी गुड थिंग्स लिखनी है अब हाईलाइट्स देख लीजिए टॉप थ्री स्टेट्स है गुजरात महाराष्ट्र और तमिलनाडु लैंडलॉक्ड स्टेट्स में राजस्थान ने सबसे अच्छा किया है उसके बाद तेलंगाना एंड हरियाणा ने हिमालयन स्टेट्स में उत्तराखंड अच्छा ने, ने सबसे अच्छा किया है फॉलोड बाय रहने देते हैं मेन मेन हम लर्न करते हैं यूनियन टेरिटरीज में डेली ने बेस्ट किया है पॉलिसी पैरामीटर्स के अंदर महाराष्ट्र ने सबसे अच्छा किया है बिजनेस इकोसिस्टम पैरामीटर के अंदर अब देखिए सारे पैरामीटर्स यहीं पर ही आ जाएंगे तो बिजनेस के अंदर एक गुजरात ने एक्सपोर्ट के अंदर महाराष्ट्र ने एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के अंदर मिजोरम ने 70 परसेंट जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो पांच स्टेट से जाता है महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक तमिलनाडु एंड तेलंगाना जाता है मतलब कि यहाँ से ज़्यादा गुड्स वगैरह जाते हैं ओके ये नहीं है कि एरिया यहाँ से जाता है वैसे तो पोर्ट्स वगैरह काफ़ी है न एक्सपोर्ट प्रमोशन में तीन प्रॉब्लम्स हैं वही डिस्पैरिटीज़ सपोर्ट की प्रॉब्लम है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो इन्हीं सबको रिमूव कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा देन देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर वट इज़ नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम तो ये एक ऑनलाइन ट्रांजिट पास जनरेशन है कि अगर आपको टिम्बर बम्बू या कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस भेजना है तो ये आपको एक ऑनलाइन मीन्स सिस्टम एक पास मिल जाएगा इसे यूनियन एन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने जनरेट किया है क्योंकि टिम्बर बम्बू थोड़ा एन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना एंड ये फंक्शनल होगा कहाँ कहाँ पर अभी सिर्फ मध्य प्रदेश में और तेलंगाना के अंदर ठीक है तो इसके अंदर हम बस इतना ही ध्यान रखेंगे ताकि फॉरेस्ट प्रोड्यूस का सीमलेस मूवमेंट हो सके देन देखिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन कई बार कर चुके हैं ऑनलाइन डैशबोर्ड फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है इससे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन मिलेगी ये जो डैशबोर्ड है ये आपको मिलेगा इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड के ऊपर दो हज़ार के जो बजट स्पीच थी तब प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर ने इन्हें अनाउंस किया था सौ लाख करोड़ रुपए दिए थे पाँच साल के लिए एंड ये इस तरीके का पहला इनिशिएटिव है जहाँ पूरी कंट्री में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा प्रोजेक्ट बनेंगे इन्वेस्टमेंट आएगी पांच ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी 2025 तक सभी इकोनॉमिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कवर किए जाएंगे एंड इसका जो टास्क फोर्स है उसके हेड कौन है अतानु चक्रा ठीक है तो अकानू अतानु चक्रवूर्ति तो ये तो आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो चक्रवर्ती से काफ़ी चल रहे हैं न्यूज़ के अंदर भी तो उन्होंने ही इसको हेड किया है ठीक है अतानु चक्रवूर्ति ने सिर्फ कास्ट है डोंट माइंड प्लीज तो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन देख देख लीजिए एक लाख पहले सौ थे अब एक है एक्चुअली बजट में तो मैंने एक पढ़े हैं एक लाख एक इसी तरीके से ध्यान रखें एनर्जी रोड रेलवेज अर्बन प्रोजेक्ट्स इनके ऊपर ध्यान देना है ये ध्यान रखिएगा अमाउंट सेंटर थर्टी क्टर ट्वेंटी रिबूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी जो है वो ट्वेंटी फोरसेंट रोड एटीन परसेंट अर्बन सेवेंटीन परसेंट रेलवे ट्वेल्व परसेंट देन देखिए सब मेराइन कम्युनिकेशंस केबल तो ये भी काफी न्यूज़ के अंदर था चेन्नई से लेके एंडामैन एंड निकोबार के सब मरीन केबल सिस्टम जो है वो अनाउंस किया गया है ताकि एक अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके ठीक है पोर्ट ब्लेयर एंडामैन एंड निकोबार आपको पता होगा तो तेईस सौ किलोमीटर की ये फाइबर केबल होगी बारह सौ चौबीस करोड़ रुपये लगेंगे लेकिन यूनियन टेरिटरी के अंदर अच्छी कनेक्टिविटी आ जाएगी याद रखिएगा चेन्नई से कनेक्ट करेगी किसको पोर्ट ब्लेयर को इसमें सेवन और आइलैंड्स भी हैं जैसे कि स्वराज द्वीप है लॉन्ग आइलैंड है रंगत है, 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 कमोटा है, कार निकोबर एंड कैंपबेल के है। इसको जो फंड मिलेंगे, वो किसके थ्रू मिलेंगे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के कौन बेनिफिट ले सकता है तो सभी छोटी छोटी एंटरप्राइजेस बीपीओस एंड जितने भी इंटरनेट बिल्स जो होंगे वो सभी कम हो जाएंगे इसकी वजह से अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी सब मराइन कम्युनिकेशन केबल क्या होती है ये समुद्र के अंदर से जाएगी सी बैड से ले डाउन की जाएगी यही इसकी खास बात है ये प्लास्टिक केबल से कोटेड होगी ऑप्टिकल फाइबर्स एंड दो तरीके की केबल्स होती हैं एक होती है अनरिपीटेड एंड दूसरी होती है रिपीटेड अन मतलब छोटे रूट्स के लिए होती है क्योंकि उसमें रिपीटर्स की जरूरत नहीं होती एंड कम कॉस्ट पर मिल जाती है नौ सब केबल्स की इम्पोर्टेंस ये है 99 परसेंट जो डाटा ट्रैफिक है वो अंडर सी केबल से जाया जा सकता है रिलायबिलिटी इनकी काफ़ी हाई होती है टोटल कैरिंग कैपेसिटी कितनी है तेरा बिट्स पर सेकेंड वेरी इम्पोर्टेंट अब आप देखिए ये ये है आपका चेन्नई दिस इज़ योर चेन्नई एंड दिस इज योर पोर्ट ब्लेयर यहाँ से यहाँ तक तो पानी में से ही जाएगी ना तो ये एंडामैन एंड निकोबार में है ओके okay, ध्यान रखिएगा ये कुछ इम्पोर्टेंट आईलैंड बताए हुए हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अब देखिए दिल्ली की सरकार ने लॉन्च कर दी है इलेक्ट्रिक वहीकल पॉलिसी एंड की रोजगार देंगे हम डेली की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एंड पॉल्यूशन लेवल को कम करने के लिए पच्चीस परसेंट इलेक्ट्रिक वहीकल्स जो हैं वो बनाने हैं दो हज़ार चौबीस तक अभी जबकि जीरो टू नाइन परसेंट है गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फी भी माफ करेगी रोड टैक्स भी माफ करेगी इंसेंटिव मिलेगा तीस हजार रुपए तक का टू व्हीलर्स के लिए ऑटो के लिए ई रिक्शा के लिए फ्लेट व्हीलर्स के लिए और कार्स के लिए डेढ़ लाख तक का इंसेंटिव मिलेगा कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा ईवी सेल इस्टैब्लिश किया जाएगा स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल बोर्ड इस्टेब्लिश होगा 200 चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे हर तीन किलोमीटर की रेडियस में स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी होगा मींस ये पहले तरीके का इस तरीके का काम सरकार कर रही है यूथ को भी ट्रेन किया जाएगा अब आ जाइए आर ओ सर्विस फॉर साउथ वेस्टर्न रेलवे तो पहली बार आर ओ सर्विस जो है नेला मंगला से बेंगलुरु के पास है टू बेल नियर शोलापुर यहां से स्टार्ट किया जाए बेंगलुरु आपका कर्नाटक में पड़ेगा शोलापुर आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा ओके ये प्राइवेटली ऑपरेटेड आर ओ आर ओ ट्रेन सर्विसेज हैं दैट इज रोल ऑन रोल ऑफ यहां पे जो रोड व्हीकल्स होंगे आ, वो जाएंगे अलग अलग कॉमोडिटीज़ के साथ ओपन फेट रेलवे वेगोन्स होंगे बेस्ट फीचर्स इसके अंदर रोड एंड रेल के कनेक्ट किए गए हैं ठीक है तो ये फास्टर मूवमेंट होगी कंजेशन कम होगा वो सारे आपको गुड पॉइंट्स लिखे हुए हैं अगेन आई एम टेलिंग यू कि हम इसे अभी प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे हैं तो आर ओ आर ओ ट्रेन सर्विसेज जो है वो पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी इंडियन रेलवेज़ में कौन रेलवेज नाइनटीन नाइन्टी नाइन में एंड तब से ये सक्सेसफुल चल रही हैं तो ये आप इसके अंदर देख सकते हैं नीलम गाला से चलेगी कर्नाटक के महाराष्ट्र के बेल तक जाएगी अब आ जाइए साइंस एंड टेक के कुछ टॉपिक्स पर स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम तो नीति जो है वो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रही थी हमने याद किया था अब नीति जो है उसी को ध्यान रखिए कि वो स्टूडेंट है कंपटीशन के लिए तैयारी कर रही है तो स्टूडेंट है तो नीति से नीति के साथ ही अटल इनोवेशन मिशन आप ध्यान रख सकते हैं तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग डेल ठीक है ये सभी ने मिलकर क्या अनाउंस किया है स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम टू किस लिए यंग इनोवेटर्स के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स के नाउ इससे जो स्टूडेंट इनोवेटर्स हैं वो डेल वॉल्टियर्स के साथ काम कर पाएंगे जनवरी 2019 में सैप वन स्टूडेंट एंटरप्रेनरशिप प्रोग्राम वन भी लॉन्च किया गया था टेन मंथ के प्रोग्राम के बाद जो ये टॉप सिक्स टीम्स हैं इन्होंने इसको और इनोवेटिव बनाने की कोशिश की है देन देखिए सी एस आई आर मूट्स मेगा लैब्स टू बूस्ट कोविड नाइन्टीन टेस्टिंग तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है वो मेगा लैब्स बनाने के लिए जा रही है इन लैब्स के अंदर बड़ी बड़ी मशीन्स होंगी जिन्हें कहेंगे नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग मशीनस चेक करेंगे कोरोना वायरस है या नहीं है ठीक है एंड क्योंकि जो ट्रेडिशनल आर टी पी सी आर सिस्टम चल रहा है वो काफ़ी टाइम लगा देता है तो स्पेसिफिक सेक्शंस को देखेंगे वायरस के एंड मींस आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर प्राइमर्स नहीं होते प्रॉब्स नहीं होते एंड काफ़ी जल्दी जो है ये ट्रैक कर लेते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग सिक्वेंसिंग इम्पॉर्टेंट है आ सकता है टर्म्स वाले क्वेश्चन में इसके थ्रू डी एन ए न्यूक्लियोटाइड्स आ, पता करी जाती है बेसिस पता किए जाते हैं इन जिनोम एंड ऑर्डर पता किया जाता है एडेनिन का सिटोसिन का ग्वानिन का थाइमिन का वेरी इंपॉर्टेंट जेनोम सिक्वेंसिंग आ सकता है देन देखिए चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रोटेस्ट तो ये आपका किसने किया है स्टार्ट माइटी ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको अनाउंस किया है कि नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट है ये ठीक है कॉन्टेस्ट है टायर टू जो टाउन्स होते हैं ताकि वहाँ पे स्टार्टअप्स बढ़े सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बढ़े तीन स्टार्टअप्स को देखेंगे पच्चीस लाख रुपये तक का फंड भी देंगे ठीक है देन बा, बाकी बेनिफिट्स हम इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे देन देखिए व्हाट इज़ बे डो तो बे डो क्या है एक नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है जैसे अपना इंडिया का है ना एंड इसी तरीके से आई आर एन एस एस है इंडिया का तो इनका है चाइना का बी डो तो ये चाइना का सेटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो कि पिक्चर्स देगा टेन मीटर्स तक नाइनटीन नाइन्टी फोर में भी इन्होंने शुरू किया था ठीक है देन चाइना uh, का आपका खुद का नेविगेशन सिस्टम हो जाएगा एंड जीपीएस uh, जो है ये देख लीजिए कुछ और कंट्रीज़ ने क्या काम किया हुआ है जीपीएस जो है वो ओन्ड है यूएस गवर्नमेंट से एंड यूएस एयर फोर्स से चलाती है रशिया का ख़ुद का नेविगेशन सिस्टम है जी एल ओ एन एस एस यूरोपियन का है गैलीलियो है इंडिया का देखिए ये है नाविक है ना नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन नाउ वट इज़ स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन तो इसको ध्यान रखना है स्पेस एक्स से ध्यान रखिए स्पेस एक्स में एक्स आता है मैक्सिको में एक्स आता है ठीक है इस तरीके से आप ध्यान रखिए तो स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन जो स्पेस क्राफ्ट है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको का है ठीक है वहाँ से ये गुजरेगा क्रू ड्रैगन है फर्स्ट स्पेस व्हीकल है जो कि लॉन्च uh, करेगा ह्यूम्स को अमेरिकन सॉइल से एंड uh, इसे बनाया है एलोन मस्क स्पेस एक्स ने जो क्रियू ड्रैगन है वो ड्रैगन वन से इवॉल्व हुआ है पहले ड्रैगन वन था एंड अभी क्रियू ड्रैगन है एंड ये फर्स्ट टाइम है कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो एक स्पेस शिप बिल्ट एंड प्राइवेट कंपनी ने इसे लॉन्च किया है ये ध्यान रखिएगा जो रॉकेट है उसका नाम है फाल्को नाइन जो कि स्पेस एक्स ने ही बनाया है एंड इस मिशन का नाम है डेमो टू एंड इट वॉज ओनली अ टेस्ट फ्लाइट सिर्फ एक टेस्ट फ्लाइट है तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डायग्राम को देखिए चलिए नाउ व्हाट इज अ स्पेस एक्स एस एन फाइव स्टारशिप प्रोटोप तो ये एक मार्श अनक्र्यूड शिप है एंड स्टेनलेस स्टील टेस्ट इसके अंदर किया जाएगा स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट का ही पार्ट है पहली टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट कर ली है 500 फीट तक ये गए सिर्फ 60 सेकंड्स के अंदर ही तो स्टारशिप इस इसे डिजाइन किया है स्पेस एक्स ने एक स्पेस क्राफ्ट है सुपर हैवी बूस्टर रॉकेट है जिसके थ्रू री ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा क्रिय के लिए कार्गो के लिए एंड वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल है ठीक है तो स्पेस एक्स ने कहा है कि स्टारशिप वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल है नाउ विक्रम सारा भाई कई टाइम काफ़ी टाइम से हम पढ़ रहे हैं तो आई ने इनको ट्रिब्यूट दिया था चंद्रयान टू का जो ऑर्बिटर है ये अनाउंस किया है कि वो मून की इमेजेस जो है वो कैप्चर करेगा ऑफ सारा भाई क्रिएटर तो विक्रम सारा भाई का जन्म 12 अगस्त उन्नीस में हुआ था एस्ट्रोनॉमी में इनका काफ़ी योगदान है रिसर्च के अंदर एंड 1962 में जो आपकी कमेटी बनी थी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च उसके चेयरमैन थे एंड फिर उसका नाम नाइनटीन में बदल के आई रखा गया था सारा भाई ने नाइनटीन के अंदर अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी भी खोली थी पहला जो टॉपिक लिया था रिसर्च के लिए वो था कॉस्मिक रेस इंडिया की जो पहली रॉकेट लॉन्च साइट है वो थी थुम्बा केरला के अंदर तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के पास है एंड केबल टेलीविजन भी विक्रम सारा भाई ही लेकर आए थे सारा भाई को मास्टर माइंड कहा जाता है इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट के लिए भी uh, एंड आईआईएम अहमदाबाद के भी ये फाउंडिंग मेंबर्स थे पद्म भूषण इन्हें मिला था 1966 में एंड पद्म विभूषण मिला था 1972 में आज का लास्ट टॉपिक करेंगे इंडिया का एस्ट्रोसेट टेलीस्कोप डिस्कवर्स वन ऑफ द अर्लीस्ट गैलेक्सीज टू तो हैव फॉर्म्ड तो इंडिया के मल्टी वेवलेंथ ऑर्बिटिंग टेलीस्कोप आटोसेट एस्ट्रोसेट ने डिटेक्ट की है लाइट गैलेक्सी से जिसका नाम है ओ ए यू डी एफ एस जीरो वन ये एक्सट्रीम अल्ट्रा वायोलेट राइट है ये जो गैलेक्सी है ये नाइन पॉइंट थ्री बिलियन लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से ये डिस्कवरी इंटरनेशनल कोलेबोरेशन की तरह मानी जा रही है इंडिया के एस्ट्रोनॉमर्स ने की स्विट्ज़रलैंड फ्रांस यू एस ए जापान एंड नीदरलैंड्स भी शामिल हैं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सीज को मीन्स uh, नोटिस किया गया तो यहाँ पर कौन सी जो uh, टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की गई तो टीम ने ऑब्जर्व किया एक विद इन द पैच ऑफ स्काई दैट इज़ द हबल एक्सट्रीम डीप फील्ड जिसको हबल अल्ट्रा डीप फील्ड भी कहा गया है एंड ये एरिया है यहाँ पे कॉन्स्टोलेशन है फॉर नैक्स की ठीक है सो दीज आर सम साइंटिफिक टर्म्स इसका कोई हिंदी नहीं हो सकता है तो इन्होंने हबल स्पेस टेलीस्कोप को यूज़ किया है एंड यू वी रेज को देखा है क्योंकि हमारा एटमोसफेयर यू वी रेज को एब्जॉर्ब करता है ना नाउ एस्ट्रोसेट इंडिया की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप तो इसका कोई हिंदी नहीं हो सकता इसको आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है इसके अंदर पांच टेलीस्कोप्स हैं ठीक है जो अलग अलग वेवलेंथ के हैं कुछ यूवी को देखेंगे कुछ फार यूवी को देखेंगे कुछ सॉफ्ट एक्सरे को देखेंगे कुछ हार्ड एक्सरे को देखेंगे देन देखिए ये हम कल करते हैं ठीक है डिजिटल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स ट्वेंटी पेजेस हम कल करेंगे फिफ्टी पेजेस तो वन फिफ्टी तक हो जाएगा एंड देन एक प्रिलिम्स फॉर फैक्ट्स फॉर प्रिलिम्स का वीडियो और आफ्टर दैट आपका करंट अफेयर डन आप भी अपना रिविजन कीजिए हम भी अपना रिविजन करते हैं वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा ओके थैंक यू सो मच